कुरुक्षेत्र अम्बाला सीमा पर एक्सप्लोजिव बम मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई। कुरुक्षेत्र अम्बाला की सीमा पर पाटलू नहर के अंदर 5 एक्सप्लोजिव सेल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अम्बाला और कुरुक्षेत्र की पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच कर जांच में जुट गए और पता लगाया जा रहा है कि एक्सप्लोजिव बम यहां पर कैसे आए। वहीं बरामद सामान को कब्जे में लिया गया है। प्रत्यक्षदर्शी अमरदीप के मुताबिक जब वो सुबह सैर करने गए तो उन्हें संदिग्ध सामान मिला, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। एक अन्य स्थानीय निवासी सुखबीर सिंह का कहना है कि यह आर्मी ट्रेनिंग का सामान हो सकता है। शाहबाद थाना प्रभारी ने जानकारी दी कि उन्हें स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है कि मारकंडा नदी के अंदर कोई बम से जुड़ी वस्तु है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने बम निरोधक दस्ते को भी इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि जांच के दौरान जो बम मिले हैं उनमें जंग लगा हुआ है और वो बहुत पुराने हैं। हमारे पास SHO शाहबाद का फोन आया था कि मारकंडा पंजाल के एरिया में मारकंडे में 2 बम मिले हैं, वहाँ पे पहुँचे। मैं भी पहुँचा हूँ, इस इतला पर यहाँ पे पहुँचे थे हम और उसी टाइम मैंने सूचना दे दी थी। जो हमारी बम डिस्पोज टीम है वो मौके पे आए, उन्होंने 2 को तो डिस्चूज कर दिया, लेकिन इन बिटवीन हमें ये इंफॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पे 3 बम और पड़े हैं। उस एरिया से जैसे हमने सर्च किया 150-200 मीटर दूर मारकंडा नदी के अंदर ही 2 बम और मिले हैं, लेकिन उसको भी बम डिस्पोज टीम जो है वो चेक कर रही है। चेक करने के बाद अब हम निकाल रही है। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से तो मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कृपया इसको लाइटली मत लें, इसमें थोड़ा डिस्टेंस बनाएं, दूर रहें। जो मेरे एम्प्लॉयज हैं इनको अगर पीछे हटा रहे हैं तो उनका सहयोग करें। फिलहाल मिले हुए एक्सप्लोजिव बम की जांच की जा रही है। ये एक्सप्लोजिव बम कहां से आए इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।